तो देखो भाई लोग, इस वीडियो के अंदर मैं उन कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जिनको अगले महीने यानी अप्रैल 2023 में इंडियन मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च किया जाना है। और ये जानने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट मंथ कौन सी कार कंपनी किस कार को इंडिया में लॉन्च करेगी, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स आपको मिलेंगे, कीमत कितनी रहेगी, लॉन्च डेट कौन सी होने वाली है, सब कुछ चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। लेकिन यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आगे जाकर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना। फर्स्ट नंबर पर MG की कॉमेट आती है जो कि एक स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक कार होने वाली है MG कंपनी की तरफ से, और कुछ दिन पहले ही इस कार को ग्लोबल मार्केट में रिवील कर दिया है। आज के डेट में टाटा की टियागो ईवी इंडिया की चीपेस्ट इलेक्ट्रिक कार है, लेकिन टाटा टियागो ईवी को टक्कर देने के लिए MG कंपनी टू डोर MG कॉमेट इस नाम की कार इंडियन मार्केट में अगले महीने लॉन्च करने वाली है। इस कार को MG कंपनी 18 अप्रैल को इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी और इस कार के अंदर दो बैटरी बैकअप का ऑप्शन दिया जाएगा। पहली बैटरी बैकअप रहेगी 17.3 किलोवाट आवर की और इस बैटरी बैकअप के साथ आपको 200 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी। रेंज का मतलब होता है एक सिंगल चार्ज में वो कार कितने किलोमीटर तक चलती है, तो इस बैटरी बैकअप के साथ ये कार लगभग 200 किलोमीटर तक चलने वाली है। अगर आपको ज्यादा रेंज चाहिए तो आप 26.7 किलोवाट आवर बैटरी बैकअप के साथ जा सकते हैं, यहाँ पर आपको 300 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाएगी। आज के डेट में टाटा टियागो के अंदर भी आपको दो बैटरी बैकअप का ऑप्शन मिल जाएगा और टाटा टियागो लगभग 200 से लेकर 250 किलोमीटर तक की रेंज दे देती है। रिसेंटली सिट्रॉन कंपनी ने C3 का इलेक्ट्रिक वर्जन इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था और इस कार की कीमत लगभग 11.5 लाख रुपए से शुरू हो जाती है और टाटा टियागो ईवी की कीमत 8,69,000 रुपए से शुरू होती है। तो यहाँ पर आपको प्राइसिंग में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये जो MG कॉमेट ईवी कार होने वाली है, इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस बताई जा रही है वो लगभग 6 लाख या फिर 7 लाख बताई जा रही है, क्योंकि ये टू डोर ईवी कार होने वाली है। इतनी छोटी कार को MG कंपनी मार्केट में लॉन्च कर रही है, तो ये अब आने वाला समय बताएगा कि ये कार मार्केट कैप्चर कर पाएगी या फिर नहीं। मुझे तो नहीं लगता ये मार्केट को कैप्चर कर पाएगी, क्योंकि आज के डेट में लोगों को अच्छे लुकिंग वाली कारें चाहिए। हालांकि इस कार के इंटीरियर में काफी बेहतरीन फीचर्स को इंक्लूड किया है MG कंपनी ने, जैसे कि आपको बड़ा सा 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील का ऑप्शन भी दिया हुआ है और भी बेहतरीन फीचर्स आपको MG की इस इलेक्ट्रिक कार के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और इस कार को 18 अप्रैल को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाना है। सेकेंड और थर्ड नंबर पर जिम्नी और फ्रॉन्क्स आती है और इन दोनों ही कारों को मारुति सुजुकी की तरफ से अगले महीने इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दोनों ही कारें डीलरशिप पर पहुंच चुकी है, यानी आप इन कारों को देख सकते हैं नियर बाय शोरूम में विजिट कर, क्योंकि दोनों ही कारें शोरूम में आ चुकी है। यहाँ पर जिम्नी एक ऑफ रोडर कम SUV कार होने वाली है जो कम्पीट करेगी महिंद्रा थार के साथ, फोर्स गुरका के साथ इसका मुकाबला होने वाला है और ये कार ग्लोबल मार्केट में काफी ज्यादा बिकती है। इसका 5 डोर वाला वर्जन इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है जिसके अंदर आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे और इसका एक्सटर्नल लुक भी काफी लोगों को पसंद आ चुका है। आपको जिम्नी का लुक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। जिम्नी के अंदर मारुति कंपनी ने 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया हुआ है और यहाँ पर आपको 104 PS की पावर आउटपुट और 135 Nm का टॉर्क मिल जाएगा। और ये कार आएगी 4x4 सिस्टम के साथ। सेफ्टी के तौर पर आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे, ABS के साथ EBD और भी ढेर सारे फीचर्स आपको जिम्नी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और जिम्नी को नेक्स्ट मंथ के एंड तक इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। जो सेकेंड कार है फ्रॉन्क्स, इसको 15 अप्रैल को लॉन्च किया जाना है और ये कूपे स्टाइल SUV कार होने वाली है। इसकी कीमत भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगी। कुछ रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि इस कार की कीमत लगभग 7 या फिर 8 लाख रुपए से शुरू हो सकती है और इस कार की पोजीशन आपको ब्रेजा के नीचे देखने को मिल जाएगी। इन दोनों ही कारों को अगले महीने लॉन्च किया जाना है। दोनों ही कारों की बुकिंग स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पर जिम्नी की कीमत लगभग 10 या फिर 10.5 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। फोर्थ और फिफ्थ नंबर पर टाटा की अल्ट्रोस और पंच का CNG मॉडल आता है। इन दोनों कारों को अगले महीने टाटा की तरफ से इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। दोनों ही कारों को 2023 के ऑटो एक्सपो में शोकेस किया था टाटा ने और दोनों ही कारों के अंदर आपको बहुत जल्दी CNG किट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। शायद दोनों ही कारों का CNG मॉडल टाटा कंपनी एक साथ इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है। हालांकि अल्ट्रोस के अंदर आपको नॉर्मल से चेंजेस देखने को मिल जाएंगे और टाटा पंच के अंदर शायद कोई भी अपडेट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा टाटा अल्ट्रोस के CNG मॉडल के साथ टाटा कंपनी अल्ट्रोस का रेसर एडिशन मॉडल भी लॉन्च कर सकती है या फिर उसको बाद में भी लॉन्च किया जा सकता है। तो ये 5 कार्स थी जिनको अगले महीने इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च किया जाना है। शायद इनमें से कुछ कारों के लॉन्चिंग में आपको थोड़ा सा डिले देखने को मिल सकता है, जैसे कि अल्ट्रोस का CNG मॉडल और पंच का CNG मॉडल। लेकिन अप्रैल के एंड में या फिर मई के स्टार्टिंग में अल्ट्रोस का CNG मॉडल और पंच का CNG
मॉडल इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा। इन 5 कारों में से आप किस कार का इंतजार कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।